पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बंगाल में सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। बंगाल में बता दें आपको 33% तक मतदान दर्ज किया गया सुबह 11 बजे तक। मध्य प्रदेश की बात करें तो 30% तक, उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 25% वोटिंग हुई है, बिहार में 20%, महाराष्ट्र में 19% मतदान हुआ है। तो ये आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। राजस्थान में 22%, उत्तराखंड में 24%। आइए सीधे गांधीनगर का इस बीच रुख कर लेते हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। कल आपको तस्वीरें हमने गांधीनगर पहुंच चुके थे एक दिन पहले ही अमित शाह, जहां पर उन्होंने 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित किया। और अब ये तस्वीरें बेहद खास आपके सामने, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार की खास तौर पर बात करें तो उनकी रैली में जो तमाम कार्यकर्ता है वो दावा कर रहे हैं इस बात का कि जीत का मार्जिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि 10 लाख के करीब होगा अमित शाह की। और ये नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें, गांधीनगर से आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ भेंट भी किया गया। तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। तो गांधीनगर से नामांकन करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में कल जब उन्होंने रोड शो किया तो TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत भी उनकी तरफ से की गई और उसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया। इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उससे पहले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गांधीनगर में एक दिन पहले पहुंचकर 3 रोड शो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किए गए हैं। दावा किया जा रहा है इस बार बीजेपी की तमाम सीटों पर, जो गुजरात की 26 सीटें हैं, कुल सीटों पर इस बार जीत दर्ज करेगी। तो कुल मिलाकर जो अब तक के ओपिनियन पोल के सर्वे हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बार बार कहा है कि बीजेपी ने कहा है 400 पार, तो ये सुनिश्चित करने के लिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो तमाम नेता है इस वक्त पुरजोर मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आमोद राय हमारे संवाददाता कल उनके रोड शो में मौजूद थे, खास बातचीत भी गृहमंत्री अमित शाह से की थी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आमोद, कितनी देर में नामांकन शुरू हो जाएगा गृहमंत्री अमित शाह का? बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में पहुंच गए हैं। फिलहाल वो सर्किट हाउस, यहां से थोड़ी दूर पे सर्किट हाउस है, वहां गए हुए हैं। वहां पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ वो अगले 10 मिनट में यहां नामांकन करने जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे। और यहां 12 बजकर 39 मिनट पर जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद यहीं आएंगे जहां हम लोग मौजूद हैं और यहां वो मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये अब तक का उनका आज जो दिनचर्या है वो बताया जा रहा है। उसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन के बाद वो फिर यहां से राजस्थान निकल जाएंगे। जैसा कि हमेशा होता है कि अमित शाह सिर्फ एक दिन अपने लोकसभा में देते हैं चुनाव प्रचार के लिए या नामांकन के लिए और फिर अगली बार वोट डालने आते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए वो आज यहाँ कल उन्होंने रोड शो किया, आज नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद फिर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने निकल जाएंगे और फिर 6 तारीख को आएंगे, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, उस दिन आएंगे और उस दिन वोट डालेंगे प्रतिमा। आप जब उनसे खास बातचीत कल कर भी रहे थे तो उनकी तरफ से कई सारी बातें महत्वपूर्ण की गई और आपने ये सवाल भी पूछा था कि आप अमूमन अपनी सीट पर प्रचार के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कल जो रोड शो उनकी तरफ से किए गए, एक नहीं 3-3 रोड शो, एक सभा को भी संबोधित किया गया, कहीं ना कहीं राज्य की सभी 26 सीटों पर एक मैसेज जरूर दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, अमित शाह या कोई भी बड़ा नेता जब अपना प्रचार करता है, जब अपने लिए रोड शो करता है, अपने लिए सभा करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा होता है, वो बल्कि पूरे प्रदेश में पूरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करना कर रहा होता है और जो भी संदेश देता है वो पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे देश में जाता है। कल उन्होंने बहुत ही खास बात एक बोली कि छत्रियों से जो नाराजगी की बात थी, उन्होंने एक्सक्लूसिवली हम लोगों से बातचीत में ये कहा कि जो बात थी वो बात खत्म हो गई थी, जो नेता उसमें शामिल थे पुरुषोत्तम रूपाला वरिष्ठ नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं और उन्होंने एक बार माफ़ी मांग ली तो बात खत्म हो गई है, अब उसमें कोई नहीं बच रही है। तो ये एक मैसेज था, ये मैसेज सिर्फ गांधीनगर के लिए नहीं था बल्कि पूरे गुजरात के लिए था, पूरे राजस्थान के लिए था, उत्तर प्रदेश के लिए था या जहां भी इसका एक बज क्रिएट हुआ है उसके लिए था। जब बड़े नेता जब भी कोई संदेश देते हैं, कोई बयान देते हैं, तो उसके पीछे मंशा यही होता है कि पूरे देश में उसका मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज जाए और पार्टी के लिए फायदा हो। अमित शाह भी वही कर रहे हैं, यहां भले ही प्रचार कर रहे हो लेकिन वो देश के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रतिमा,